और ये है, इनको जानते हो आप। इस पूरे सीजन ना हम लोगों ने एक भी टमाटर नहीं लिया। Hey everyone, welcome back to Jodhida में Vlogs। ऐसा करते आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। और जैसा आप देख रहे हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने गाँव से कर रही हूँ। और हम लोग उठ गए हैं, अभी है मॉर्निंग टाइम। तो मैं केतली लेके आ रखी हूँ, तो हम इसमें बनाएंगे चाय। तो मैं सीधे जाती हूँ नल पे, हाथ वो भी धोती हूँ क्योंकि मैंने हाथ वो भी नहीं धो रखा। मैं उठ के सीधे बाहर ही आ रखी हूँ और फिर चाय बनाते हैं। और मम्मी तो ना सुबह सुबह उठ के खेतों में चली भी गई है, मम्मी का काम भी शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो कहते आगे से हमारे खेत शुरू हो जाते हैं जैसा आप लोगों को पता है। और मम्मी यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, और मम्मी एक खेत ऊपर वाला साफ भी कर दिया और ये दूसरे खेत की सफाई चल रही है। हमें क्या बोलना मम्मी, यहाँ प्याजो बिन्नो थल्ला लगुन छई, ये तो सफाई कर रही है। अच्छा, ये तो वही रास्ता है ना। हाँ, तो हम जा रहे हैं अपने नल में। नल से मैं पानी भरूंगी और यहीं पे हाथ में धोऊंगी। और मुझे ना यार बहुत ठंडा लग गया, ब्रश तो लेके आया नहीं वहाँ और मैं ब्रश लाना भूल गई अपना। मेरे को ना जुकाम से, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ना, मुझे बहुत जुकाम लग गया है यार, बहुत ही खतरनाक जुकाम हो गया मुझे। और इस बेचारे को तो आते आते हो गया था, मुझे रात को लगा ठंडा। तो ठीक है, अभी पहले चाय बनाते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। ये रहा हमारा नल, यहाँ पे मैं हाथ मुँह धोती हूँ और केतली में पानी लेके जाती हूँ चाय बनाने के लिए। तो हाथ मुँह धो के मैं केतली में पानी भर के लेके जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चलते हैं चाय बनाते हैं। चाय तो फिलहाल मैं गैस ही में बना रही हूँ, अभी मैं आग नहीं जलाऊंगी। और यहाँ पे दीदी भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई यार, मेरे को ठंडा लगा यार, बाय गॉड। मेरी आवाज़ देख है ना, चेंज हो रही है ना, जुकाम लग गया जिसमें थोड़ी देर को ओढ़ा दिलवा दे मैंने। चलो ठीक है, चाय बनाते हैं चाय। उबल गई मेरी केतली में चाय। तो मैं गूंथ रही हूँ यहाँ पे आटा, क्योंकि बाकी सारे लोग ना खेत में गए हुए हैं। तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। मैगी मैं बाहर आग में बना दी है मैंने, और रोटी मैं अंदर इसमें बना लेती हूँ गैस में जल्दी से। तो यहाँ पे खेल रही है काशु, काशु ये देखो फुल मजे ले रही है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, बना रही हूँ खाना। काशु देखो फुल मस्त मगन है कासू। तो फटाफट मैं रोटी बनाती हूँ और सबको नाश्ता कराती हूँ क्योंकि सब लोग खेत में हैं। और फिर मिलती हूँ खाना खाते। तो सब लोग खाना खाने लगे, कासू भी खा रही है रोटी सलाद। तो अभी ना नाश्ता वगैरह कर दिया है, दीदी और दादा तो खेतों में ही हैं तो वो लोग उधर ही काम कर रहे हैं। मैं एक बार ना हमारे खेतों में क्या क्या हो रखा है और वो लोग क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इतने ककड़ी के बेल हो रखे हैं, ये सारी ककड़ी है। और दो ककड़ी ना हमने तोड़ी भी, एक तो हमने अभी सलाद में खा दी है और ले जाएंगे, दूसरी हम दिन में खाएंगे, ले जाएंगे दिन के खाने के साथ। और बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, ये मिर्ची के पौधे। और पता है यार, क्योंकि ना आजकल ना हम यहाँ नहीं रहते क्योंकि दादा भी गाड़ी में जाते हैं तो वो यहाँ नहीं रह पाते, कभी कभी आते हैं। बट वो जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो हम जो लगाए रहते हैं ना, तो यहाँ बता नहीं लोग ना तोड़ के चले जाते हैं। तोड़ते तो जो है उल्टा ना, जो हम पौधे लगाए रहते हैं ना वो पूरे उखाड़ के चले गए थे पिछली बार। तो प्लीज़ मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब यार प्लीज़ ऐसा मत करो दूसरों की मेहनत का। यार हम लोग इतने धूप में आके यहाँ पर ऐसे गोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, मार्केट से आके हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आप लोग ऐसा करोगे तो यार मतलब बहुत बुरा लगता है सच में। मतलब आप खुद मेहनत करके देखना, उसके बाद कोई ऐसा करेगा तो फिर सोच के देखना कि आपको कैसा लगेगा। तो रिक्वेस्ट है मतलब कि प्लीज़ ऐसा ना करो। और थोड़ा गाय बच्चियाँ भी अगर आप लोगों की आती है तो प्लीज़ हाथ आया करो गाय बच्चियों के, और खेतों में मत आने दो प्लीज़। बाकी अगर आप लोग कोई मेरा ब्लॉग देखते हैं और इस एरिया में आता है ना,
तो प्लीज़ अगर किसी के गाय बच्चे आए रहते हैं या कोई आए रहते तो प्लीज़ भगा देना, और जिसके होंगे उनको बता देना कि ऐसा मत करना। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। पूरे पौधे लगा रहे हैं बीच बीच में नींबू इम्बू के, और ये हमने गेंद लगा रखे हैं ये इधर, ये पूरे खेतों में गेंद ही गेंद है। और नीचे भट है, उसके नीचे पे यहाँ पे भिंडी, और फिर ये बड़े वाले खेत में भट, और दादा है वहाँ पे, वो पे पौधे लगा रहे हैं। और यहाँ पर कोई एक मालटे का पेड़ भी है छोटे नींबू के, देखो। और ये रही भानु, नीचे देखो, हाँ ये दिखा दिया। और इस पूरे सीजन ना हम लोगों ने एक भी टमाटर नहीं लिया। टमाटर 200 रुपए केजी तक हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने एक भी टमाटर नहीं लिया। हमने अपने ही खेतों के टमाटर खाए हैं, मतलब पूरे सीजन हमने अपने खेतों के टमाटर खाए हैं, और कभी कभी पके और कभी कभी कच्चे भी, और हमने ना बेचे भी थोड़ा बहुत। अभी ना बहुत कम बचे हुए हैं टमाटर, इस वाले खेत में ना पूरे टमाटर ही टमाटर थे, लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं। ये कुछ कुछ बच रखे हैं इस वाले में और ऊपर वाले में। इस वाले खेत में ना हमने हल्दी लगा रखी है, और दीदी यहाँ पे हल्दी गुड़ाई कर रही है। इस वाले खेत में पूरी हल्दी है, और भी कई दूसरी जगह भी लगा रखी है, यही है दी। हाँ, एक दूसरे खेत में नीचे हल्दी, बाकी यही है। यहाँ पे चल रही दीदी की गुड़ाई, तो ठीक है। ये हमारे खेत, और मक्के भी बो रखे हैं नीचे पे, ये रहे यहाँ पे, मक्के ज़्यादा नहीं लगा रखे हैं। और ये है, इनको जानते हो आप, ये वो खेत में बंदर नहीं आने के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है, क्या बोलते हैं, उभ्यूना। ठीक है, तो अभी तो खेत वगैरह हमने दिखा दिए, फिलहाल तो इतना ही है। तो अभी हम जा रहे हैं ना नीचे टैंकी में, और वहाँ हम नहाने वाले हैं। मैं तो पहले गई नहीं हूँ, बट ठीक है, आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हमारे घर के ना एक ऊपर यहाँ मेरे घर इधर पीछे साइड यहाँ पे है टैंकी, और एक नीचे यहाँ कहीं। अभी मैं उस वाली नीचे वाली टैंकी में हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है पानी वगैरह। अगर नहाने लायक होगा तो हम लोग नहाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम सीधे ऊपर को आ जाएंगे। तो यहाँ से है सीधे रास्ता, और आगे से ना फिर हम नीचे को जाएंगे, और हम एक दो तीन चार, हम चारों लोग जा रहे हैं। ठीक है, भानु को हम डुबाने वाले आज। भानु तू बच के रहना, ठीक है, मैं तो डुबकी मार दूंगा। हम इसको डुबाने वाले हैं, ऐसे नाक बंद करके उसके अंदर घुस जाऊंगा। ये रहा रास्ता पूरा ना, क्योंकि आजकल ना घास फूस हो रखी है ना पूरा, ये मतलब चाची को रास्ता नहीं पता, ऐसा हो रखा है। हम नहाने वाले हैं मिनी स्विमिंग पूल में। हमारे पास मिनी स्विमिंग पूल भी है ना यहाँ, ये हमारा फार्म हाउस है। सस्ता फार्म हाउस, जहाँ हम ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, जहाँ हम पार्टी भी करते हैं, और क्या क्या करते हैं, जहाँ हमारे पास मिनी स्विमिंग पूल भी है। ये देखो, और यहाँ से ना ऊपर से पानी वाले, यहाँ पर को ना एक गुफ है ना, वहाँ पर को पहले वो रहते थे। अभी ना पहले अभी सुबह दादा और विनोद आए, तो उन लोगों ने काटी होगी ये वाली घास ना, सुबह काटी है। हाँ, नहीं तो यहाँ ना पैर डालने जैसा भी नहीं हो रहा होगा। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ हमारा घर, वो रहा पोल के सामने में, ये छोटा सा ये रहा। हाँ, ये मस्त, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकती मैं। ये रहा, तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारा मिनी स्विमिंग पूल। भानु तो रेडी भी हो गई है। वहाँ सीढ़ियों से जाना, ये रहा, ये रहा हमारा मिनी स्विमिंग पूल। हम लोगों ने भी चेंज कर लिया है, और मैंने टी शर्ट और लोवर पहन लिया पापा का लोवर। और ठीक है, अब हम जाएंगे सीधे स्विमिंग पूल में। चल ए मन, ऐसा करो, ये यार पानी बहुत ठंडा हो रहा है, मजा आ गया, ऐसा लग रहा है हम लोग जल परी है। है क्या है जल परी? ओ भाई पायल सुन, ये बालू तो विनोद के पीठ में, बालू को टिक्की लगाता हूँ, बालू को टिक्की लगाता हूँ।
पहाड़ सामने हम पानी में नीचे ना नीचे एक पत्थर है जो बार बार हमारे पैरों में लग रहा है, तो मेरा चैलेंज है ना मैं मतलब नीचे जाके ना वो पत्थर लेके आऊंगी। लेफ्ट फिंगर पूरा कर बाजी नहीं कर पाती, वैसे मैं वाटर फोबिया है मुझे, मेरे को पानी से जो बहुत डर लगता है, मतलब मैं जैसे ही नीचे जाते हैं ऐसा हो जाता है मेरी सांस अटक जाती है। बट लेट सी लेकिन मैं बैलेंस कैसे करूँ, विनोद हाथ तो पकड़ो, नाक बंदी क्यों करनी है, सीधा जंप मारो। तो आग जला दी है मैंने और तेल भी डाल दिया है और मैं बनाने वाली हूँ आज पलिया भात। अभी है दिन का टाइम, नहा धो के हम लोग आ गए थे, तो मैं खाना बना रही हूँ दिन का, क्योंकि बाहर पे मैं आग में खाना बना रही हूँ तो बहुत तेज धूप लगी है, ये इतनी ख़तरनाक धूप लगी है, तो इसलिए मैंने छतरी ले रखी है, क्योंकि जुकाम वगैरह भी हो गया, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी हो गई है, ऊपर से फिर मैं पानी में चली गई थी। बट खाना तो बनाना है तो फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ पहले। तो ये छानते हैं मेरे बिना, सब्जी डाल रही हूँ, आगे से आ रही है आग और ऊपर से लग रही है खतरनाक वाली धूप। तो पलिया ना मेरा बाहर पे उबल रहा है मस्त, पर ना बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि आग बुझ जा रही है, तो बार बार आना पड़ रहा है बाहर और धूप इतनी तेज लगी है मैं बता नहीं सकती यार, भाई गॉड कह रही हो। और ये तो गरम मुरक है, ये भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो खाना तो रेडी करके ना मैंने अंदर रख दिया है, मम्मी और दीदी अभी भी वहीं काम कर रहे हैं, जाकर ना एक बार देखते हैं कि क्या चल रहा है उधर, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। थोड़ा उधर ना हमने लहसुन वगैरह रखा था, तो मम्मी कह रही वो सारे लहसुन थोड़ा ख़राब टाइप का हो गया है, तो उसको सही कर रहे हैं। तो जाके एक बार देखते हैं कितना अभी बचा है, क्योंकि बच्चों को भी ना भूख लग गई है, फटाफट खाना खाएंगे नहीं तो हम फिर खराब हो गई। तो ये रहा हमारा लहसुन, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहीं पड़ा था ना, तो इस वजह से ना ये थोड़ा ख़राब हो गया। ये जी जो साइड ये फेंके ये सब ख़राब है, कितना बहुत ही हो गया खराब, ये बड़ी बड़ी वाली हो रखी है खराब। ना हम लोग घर से निकल गए हैं, ठीक है, क्योंकि ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो हम लोग बच्चों को लेके फटाफट आगे जा रहे हैं और दादा दीदी मम्मी आराम से पीछे आ जाएंगे। गिम्बल गिम्बल बैग में नहीं है, उस वाले जिसमें बहन के कपड़े उसमें, हाँ ऊपर ले जा गए वो। चलो ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपने गाड़ी पे, फिर वहाँ से बारिश आ जाएगी ना उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट नीचे अगर बारिश आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कांसू हमारे साथ। तो कल ना हमको घर पहुँचते पहुँचते 7:30-8 हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो उसके बाद मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई। घर आते आते सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सबको थकान लगी थी, तो हम लोगों ने जल्दी से खाना वाना खाया और हम सो गए। तो ये था मेरा गांव का ब्लॉग, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ब्लॉग, आई जस्ट होप आप लोगों ने इंजॉय करा हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।